में एडिशनल कमिश्नर और उसके बेटे की गुंडागर्दी सामने आई है। सोसाइटी में सुरक्षा कर्मियों को लात घूसों से पीटा है। बिना स्टिकर वाली गाड़ी को रोकने पर सुरक्षा कर्मियों की पिटाई की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने थाने में शिकायत की है। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के रामप्रस्थ सोसाइटी की घटना है। गोरखपुर नगर निगम में तैनात है एडिशनल कमिश्नर। कर्णवीर कश्यप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कर्णवीर, ये पूरी घटना बताएं जरा। देखिए, गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रामप्रस्थ ग्रीन एक सोसाइटी है, काफी पॉश इलाका माना जाता है। हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर है और सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है। पुलिस के साथ साथ जो RW है उसने भी सुरक्षा गार्ड रखे हुए हैं, निजी गार्ड रखे हैं, और जिनको सख्त मनाही है कि बिना स्टिकर की कोई भी गाड़ी या बिना पहचान किए किसी व्यक्ति को अंदर आना सख्त मनाही है, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन और नौकर पेशा लोग वहां अंदर रहते हैं। तो जो गोरखपुर नगर निगम के कमिश्नर हैं वो थे, उनकी बेटी थी, ये सब लोग वहां जा रहे थे और बिना जो स्टिकर की एक गाड़ी थी उसको जब कोशिश नगर सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई तो उनके साथ बदसलूकी की गई और तमाम तरह से जो मारपीट और ये तमाम जो तस्वीरें आई हैं अपने आप में बेहद शर्मनाक है। चूंकि एक पढ़ा लिखा और शिक्षित और उच्च लेवल का अधिकारी और उसका परिवार जब इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो आखिर कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को निजी जो सुरक्षा कर्मी है वो कैसे जो है अंजाम दे सकते हैं ठीक तरह से, जब अधिकारी इन सब चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अपने आप में काफी चिंता का विषय है और अधिकारी द्वारा घटना की गई है और भी बेहद शर्म की बात है। जी शुक्रिया कर्णवीर इस खबर पर जानकारी देने के लिए।